नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है और इसका आगाज हमेशा होता है TCS के साथ। वैसे तो आज ही नंबर आ चुके हैं, GM ब्रेवरीज के नंबर आए थे और हमेशा TCS से दो चार दिन पहले ही आते हैं, इस बार तो एक ही दिन पहले आए हैं। और कल भी नंबर आए थे लाइक धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स और समथिंग समथिंग, और दोनों ही नंबर खराब आए हैं, स्टॉक तो टूटे हैं लगभग 8-8%। अब TCS के रिजल्ट से क्या अनुमान करना है? कल पोस्ट मार्केट नंबर आएंगे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर आईटी कंपनीज जो है वो पोस्ट मार्केट यानी कि बाजार बंद होने के बाद नॉर्मली TCS 4-4:30 बजे के करीब रिजल्ट पेश कर देता है। इस बार के रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी कुछ और भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तीन बड़ी अनाउंसमेंट आएंगी। पहली तो आएगी आपके लिए रिजल्ट्स के ऊपर, क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। दूसरी आपके लिए जो आएगी वो आएगी बायबैक, और तीसरी डिविडेंड। अब तीनों में ही क्या आ सकता है उसके बारे में शेयर करता हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में ना रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे हैं या ईयर ऑन ईयर अच्छे हैं ये नहीं देखा जाता, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने कैसे हैं ये देखा जाता है। क्योंकि बाजार को सब पता है कि कंडीशन खराब है हुई है या अच्छी हुई है। अगर अच्छी हुई है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, खराब हुई है तो कम एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशंस के सामने अच्छे नंबर आ गए तो अच्छे हैं, और उससे कम रह गए तो खराब है, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कुछ भी हो। अब मैं आपके साथ एक्सपेक्टेशंस शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर ये आपने एक्सपेक्टेशंस लिख ली और जब नंबर हेडलाइन शो हो रही होगी कि कंपनी ने इतना कामकाजी मुनाफा पेश करा, कामकाजी मुनाफा एबिट होता है केवल, कंपनी ने इतना मुनाफा पेश करा, कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ ये थी, मार्जिन ये रहे, और जो मैं आपको नंबर अभी बता रहा हूं वो उससे ज्यादा हो तो समझना नंबर अच्छे हैं, और उससे कम हो तो समझना नंबर खराब है। सिंपल, ठीक है जी, लिख लो ये चीज। सबसे पहले रिजल्ट से ज्यादा फोकस होगा बायबैक पे। तो देखिए, वैसे तो TCS कभी ओपन मार्केट का बायबैक करता नहीं है, हमेशा टेंडर करता है। अगर टेंडर ही होता है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से ओपन हो गया तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसके चांसेस 0.01% है ही नहीं है, मानो ज्यादातर टेंडर हुआ है और इस बार भी टेंडर ही आएगा। बायबैक की एक्सपेक्टेशन है लगभग 18.5 से लेकर 20 हजार करोड़ के बीच का बायबैक आ सकता है। लास्ट टाइम के बायबैक से बड़ा बायबैक आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास 61,000 करोड़ का कैश, बैंक रिजर्व्स, डिपॉजिट पड़े हैं, एसेट्स पड़े हैं, और कंपनी उसका 35% समथिंग यूज करती है ज्यादातर बायबैक में। तो आप मान के चलते हो कि 18, 19, 20 इसके आसपास का बायबैक होगा। बायबैक का प्राइस ऑन एन एवरेज 20-25% प्रीमियम पे होगा, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप कैलकुलेट करें तो वही 4,400-4,500 रुपए के भाव पर बायबैक आ सकता है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन डिविडेंड है। डिविडेंड की बात करें तो 0.5 से 1% यानी स्टॉक का, यानी कि आप या तो 16-17 या 24-25 रुपए के करीब का डिविडेंड कंपनी पेश कर सकती है। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पे, ठीक है जी। ये दोनों चीजें तो मैंने आपको बता दी, बाकी डिविडेंड ऊपर नीचे हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बायबैक में ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बायबैक छोटा कर दे तो फर्क पड़ेगा, बट टाटा ग्रुप है वो कभी ऐसा नहीं करता, वो अच्छा ही बायबैक करेगा, तो निश्चिंत रह सकते हैं वहां पे। अब कंपनी के आप लिख लीजिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले रेवेन्यू, आय ये होती है। रेवेन्यू लगभग आपके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.4% का जंप दिखानी चाहिए। 60,200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आए तो अच्छे नंबर्स हैं, कम आए तो खराब है, और 60,200 पे आए तो ओके इनलाइन नंबर है, ठीक है। डॉलर आए लगभग 1% जंप करेगी और 729.5 करोड़ की डॉलर आ सकता है, ठीक है, रेवेन्यू। एबिट जो मैं आपके साथ कह रहा था वो लगभग 5.5% जंप कर सकता है, 14,500 करोड़ पे आ सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है, इससे ज्यादा अच्छे इससे कम खराब। नेक्स्ट मार्जिन इंपॉर्टेंट होते हैं, 23.2% से बढ़कर 24.1% पे आने की उम्मीद है। तो अगर 24.1% आए तो अच्छे हैं, नॉर्मल है, इससे ज्यादा आ गए 24.2% तो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, और कम आए तो थोड़े खराब है। मुनाफा 11,350 करोड़ का आएगा 2.5% बढ़कर, अगर इससे ऊपर मुनाफा आ जाए तो अच्छे हैं, इससे कम आए तो खराब है। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू की बात की जाए तो 1.1% की बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है। सभी वर्टिकल्स में सामान्य ग्रोथ का अनुमान है, कोई एक्सेप्शनल ग्रोथ का अनुमान नहीं है, नॉर्मल है। ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ने, वेतन खर्च नहीं होने से मार्जिन बढ़ेगा, यानी कि जो सैलरी वगैरह है वो कम गई है तो उसके चक्कर में थोड़ा कंपनी का मुनाफा बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएंगे, बस यही है। डील पाइपलाइन BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस वर्टिकल मार्जिन की कमेंट्री पर फोकस होगा। ये तो हमेशा से ही होता है कि
जो जो भी आईटी कंपनी है उनकी आगे के लिए डील पाइपलाइन क्या है, गाइडेंस क्या है, वो कंपनी की कमेंट्री ही बताती है, तो वो हमें देखने वाली बात होगी। बट जो नंबर्स दिए हैं इसको आप फोकस में रखें। बाकी टीसीएस क्वालिटी स्टॉक है, दिग्गज कंपनी है, हमेशा से हमारी फेवरेट रही है। शेयर गिर जाता है रिजल्ट के बाद तो हमारी ये बात होगी कि भैया मौका है खरीद लो। शेयर बढ़ जाता है रिजल्ट के बाद तो हम तो कहेंगे कि भैया हमने तो 3,000 में बोला था खरीदने को, ये अभी मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वालिटी स्टॉक है, जिसके पास है बने रहे, बेचने की जल्दबाजी करें ना। 5,000 से पहले तो बिल्कुल मत बेचना, 5 ज्यादा दूर लग रहा है तो 4,500 से पहले तो मत बेचना। अरे भैया कंपनी खुद खरीद रही है, अब तो भरोसा कर लो, बस यही बोलना चाहूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।